नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कैसे आप TDS या TCS की पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आपको गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहाँ पे आपको जाना है incometax.gov.in। इस साइट पे आएंगे, ठीक है। ये ई फाइलिंग पोर्टल है। यहाँ पे आने के बाद देखो ई पे टैक्स पे आना है। यहाँ पे आपको पेमेंट के मल्टी ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। TDS की पेमेंट हो या TCS की पेमेंट हो, दोनों ही पेमेंट सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है 10 नंबर, ठीक है। TDS या TCS की पेमेंट करने जा रहे हैं तो 10 नंबर लिखना होगा। तो चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 10 नंबर। फिर जो भी आपने 10 नंबर लिखा है उसको फिर से एक बार कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखना होगा फ़ोन नंबर। यहाँ पे फ़ोन नंबर कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये केवल वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैन नंबर आपने इनकम टैक्स में दिया है या 10 नंबर लेते वक्त दिया है उसी का डालें, किसी का भी फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं आप। चलिए लिख लेता हूँ फ़ोन नंबर। अब जो फ़ोन नंबर दिया है आपने उस पर OTP आया होगा, वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP। OTP लिख लिया, अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने कंफर्म कर दिया। जैसे इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे आपका पैन नंबर लिखाएगा और यहाँ पे नेम आपको दिखाएगा। पूरा नेम नहीं दिखाता, स्टार्टिंग के 2 लेटर और लास्ट का 1 लेटर दिखाएगा। इससे आपको समझना है कि नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए TDS चालान जमा कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जमा करा रहा हूँ तो 23-24 ले लिया। जैसे ही आप 23-24 लेंगे तो बताएगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मैं नवंबर मंथ के TDS को जमा करा रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 23-24, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 आ गया, ठीक है। अभी करना क्या है आपको, देखो पेड TDS का ऑप्शन आता है। अगर आप TCS की पेमेंट कर रहे हैं तो भी इसी प्रोसेस पे जाना है, इसी लिंक पे जाना है। यहाँ पे आप TDS और TCS की पेमेंट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप बता रहा है कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से TDS एंड TCS की पेमेंट भी हो जाती है। अभी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको नेचर सेलेक्ट करना होगा कि आप जो TDS की पेमेंट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, ठीक है। देखो ये है नेचर, ये है सेक्शन कोड और ये है इसका कोड, ठीक है, ये सेक्शन और ये कोड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स का कर रहा हूँ तो 20 पे क्लिक कर लेंगे। और भी कई सारे सेक्शन आ जाएंगे जहाँ पे ये 94Q का होता है कोड, ठीक है। तो 94Q आपको दिखेगा यहाँ पे। रेंट का है नहीं है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ बताएगा कौन से सेक्शन, देखो ये रहा 94Q जो कि परचेज ऑफ गुड्स का TDS है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है, कंटिन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कंपनी डिडक्टी है या नॉन कंपनी डिडक्टी है। तो मैं जिसका यहाँ पे TDS काट रहा हूँ वो अदर देन कंपनी डिडक्टी है, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं गलती से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, लेकिन जो सही है वो आपको ये समय सेलेक्ट करना है अदर देन कंपनी डिडक्टी है। मतलब कि जिसका भी आप TDS काट रहे हैं अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, नहीं पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडिविजुअल है और HUF है, तो आपको यहाँ पर लिखना है अदर देन कंपनी डिडक्टी। और अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सामने वाला पर्सन जिसका TDS काटा है, तो उस केस में कंपनी डिडक्टी लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टी ले रहा हूँ। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाई मिस्टेक आप इनमें से कुछ गलत भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन गलत नहीं करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो। होता क्या है, कई बार जिसका हमने TDS काटा है उसमें मिक्स होते हैं, कंपनी डिडक्टिव भी होता है और अदर देन कंपनी डिडक्टिव भी होता है। तो चाहे तो आप इसमें अदर देन कंपनी डिडक्टिव भी ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम बात कर ले,
टैक्स लिखना होता है आपको कि कितना आप टैक्स जमा करा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो केवल 10 रुपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपीज़ ले लिया। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट है लेट जमा करा रहे हैं, जैसे 7 तारीख के बाद नवंबर का जो टीडे जमा होता है वो 7 दिसंबर को होना था, तो 7 तारीख के बाद जमा हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो जाता है, 1.5% अगर लेट होता है तो। लेकिन पहले महीने में लेट होंगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट जमा होगा, मतलब कि अगर नवंबर का टीडीएस 7 दिसंबर के बाद जमा कराओगे तो नवंबर का भी इंटरेस्ट लगेगा और दिसंबर का भी लगेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाता है। तो उस केस में आपका 3% इंटरेस्ट लग जाएगा। 2 महीने का इंटरेस्ट लगने का मतलब ये हो गया कि वो वैलिड होगा कि 2 महीने के इंटरेस्ट के साथ आप 7 जनवरी तक जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 जनवरी के बाद जमा कराएंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी का भी, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट बना, मान के चलिए मेरा यहाँ पे 1 रुपये का इंटरेस्ट बना तो मैंने यहाँ पे 1 रुपये लिख दिया, ठीक है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पेमेंट के देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग में देख सकते हैं अलग अलग तरह के बैंक्स हैं जिसका यूज़ करके आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट बैंकिंग आपका नहीं है तो डेबिट कार्ड पे आ जाओ, डेबिट कार्ड के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से किसी भी बैंक का यूज़ करके आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी नहीं है आपके पास तो पे एट बैंक काउंटर आ जाओ, यहाँ पे करना क्या होगा आपको चेक सेलेक्ट करना होगा और बैंक लेना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करना तो यहाँ पे देखो NEFT RTGS का ऑप्शन है। इस केस में भी आपका यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट होगा जहाँ पे आप इसका यूज़ करके NEFT और RTGS करा सकते हैं, ठीक है, बैंक ब्रांच में जाके वहाँ पे NEFT और RTGS करा सकते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में आपको कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, आपको करना क्या होता है, देखो कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे है, कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे है और यहाँ पे फेडरल बैंक का है। फेडरल बैंक के अंदर सभी तरह के बैंक आ जाएंगे। कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे का यूज़ करेंगे तो केवल कोटक महिंद्रा का पेमेंट गेटवे ही यूज़ कर पाएंगे, उस केस में ट्रांजेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए फेडरल बैंक लेते हैं तो इसमें कई सारे बैंक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये चलान को दिखाएगा सबसे पहले आपको कि देखो ये असेसमेंट ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है, ये फेडरल बैंक है, ये अदर देन कंपनी डायरेक्टरी है और TDS की पेमेंट कर रहे हैं। TDS पेबल बाई टैक्स पेयर 200 के हेड में है और 94Q का है, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स का है, ठीक है। ये टैक्स अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। अभी पे नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे आप अग्री पे क्लिक कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अग्री करते हैं। उसके बाद सबमिट टू बैंक पे जाना है, ठीक है। देखो ये बताता है कि टोटल आपको 11 रुपये पे करने हैं। पे नाउ पे क्लिक करोगे, अभी यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। UPI का आ गया, स्मार्ट चेकआउट है, कार्ड है और नेट बैंकिंग है, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको UPI का यूज़ करके पेमेंट करना है, UPI पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना UPI एड्रेस एंटर करना होगा, ठीक है, देन पे पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। जैसे दोस्तों TDS चलान जमा करा लेंगे, इस प्रकार से आपको चलान रिसीट्स दिखेगा जिसके अंदर BRS कोड, चलान नंबर और डेट वगैरह होगी, कितना अमाउंट जमा कराया है, ये सारी डिटेल मिलेगी आपको। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको इनकम टैक्स की साइट पे आके TDS या TCS के लिए चलान को जमा कराना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।